दीपावली हमने यहाँ बनाया, दशहरा हमने बनाया, गोर्धन पूजा हमने की, भैया दूजा मियाँ दोनों किसी से बजा कर राहुल गांधी के समय समर्थन किया, प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा जी सारे लोग थे। और आज हम यहाँ बैठे हुए किस महोबली जो 23 फरवरी को रात को समझौता हुआ था, जो राजेंद्र यादव ने, इसके अलावा मेहदी जी ने अनशन करवाया था। आज हमारी कोई मांगे नहीं मानी जा रही, इतने दुखी है 41 दिन से कि हम कल उत्तर प्रदेश कुछ करें, तेलंगाना में किसी वहाँ उपलब्ध हों। 10 तारीख को भी गए थे, अब हमारी टीम नहीं रहे क्योंकि राहुल गांधी जी से मिलकर मैंने समर्थन किया था, प्रियंका गांधी से 19 जुलाई को मिलकर आए। तो बुरी हालत यही है कि जब हम लट खा रहे थे, जब कांग्रेस के खिलाफ अच्छा काम किया, हमने समर्थन दिया, आज हम सड़कों पड़े हैं, 5 लोगों को डेंगू हो गए, बुरे हालात हैं। हमने हमारी एक भी गैरबाजी मांग ली है, जो प्रयोगशाला साहिब 1534 प्रयोगशाला साहिब बढ़ती है 1534 कैबिनेट से अनुमोदन हो गया, मैं वो ज्ञापन दे दूँगा। प्रयोगशाला साहिब बढ़ती है 1534 कैबिनेट से अनुमोदन हो गया 2018 की सूची जारी होगी। अब वो CMO में फाइल पड़ी है, CM साहब से साइन होंगे, तब वो राज्यपाल भी जाएंगे, राज्यपाल से आकर अधिसूचना जारी करके सूची जारी होगी। वही जो स्कूल जाकर था भर्ती 2018 689 पद कम कर दिए थे, आपने भी लेटर लिखा था, 2 वर्ष शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी, अभी कैबिनेट में भी उसका पत्र जारी हो गया कि हम इस भर्ती को पूरा करेंगे, अधिकारियों के पास जाता है वो स्पष्ट आदेश देंगे, अधिकारी अभ्यर्थी को बताते दूसरी बात से। वही जो रीट की भर्ती हुई 21,000 पदों पर, बत्ती लाल का कांड आपको पता है, भजन लाल अभी तक पकड़ा नहीं गया, पेपर लीक किया बहुत ज़्यादा, 2018 के बाद ये भर्ती आई है, हम 40 पदों की संख्या बढ़ाई गई, बात खाली विभाग में शिक्षा वाद 7,500 की अभ्यर्थियाँ भी आई एक पद बढ़ाने की, तो 50,000 पद बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी करें, क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो जो योग्य भर्ती है एक एक दो दो नंबरों से रह जाएंगे, तो 5-7,000 जगह भी गया होगा ना, कम से कम पद बढ़ेंगे तो उनकी बेचारों की योग्य भर्ती को न्याय मिल जाएगा। वो मांग एक दिव्यांग बच्चे हैं, 3 लाख प्रदेश में दिव्यांग बच्चे हैं, हर स्कूल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर स्कूल में विशेष शिक्षक होना चाहिए, तो 3,000 से 4,000-5,000 पदों पर उसकी भर्ती की मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक्ट में भी है उसके अनुसार वाजिब मांग है। शिक्षक भर्ती 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट देना था कुलदीप काका जी से, अर्पणा राय जी सबसे बात की, वो अभी तक नहीं हुआ। रीट 2018 का मामला एक तरफ में अटका पड़ा, चिकित्सा विभाग में था एक नेकीराम है क्या अभ्यर्थी का है, नेकीराम का नेकीराम का, अब एक ऐसा अभ्यर्थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये छठी बार इसने RS प्री पास कर दी, इस बार छठी बार, हाँ फ्री, माँ बाप है नहीं इसके, अनाथ बच्चा है, वहाँ निमराना में पेपर 1 घंटे लेट हो चुका जहाँ दोबारा से एग्जाम है, इसलिए एक पुलिस कांस्टेबल को ये कह दिया कि आप मोबाइल अंदर कैसे लेकर आ गए, कलेक्टर भी नहीं लेकर आ सकता, इसके 1 नहीं 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। अच्छा हाँ, इस जैसे छः लोग हैं जहाँ कलेक्टर को निलंबित बर्खास्त करना चाहिए था, जहाँ पुलिस अधीक्षक को उठाना चाहिए था, जहाँ मान्यता रद्द करनी चाहिए थी, उसकी जगह इन 6 लोगों मुकदमा दर्ज कर दिया, अनाथ बच्चा है। मैंने CM साहब तक पूछा, मैं मिलाकर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हो पाई, यहाँ 41 दिन से बैठे हुए हैं। ये आप बताओ, 6 लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिया, जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिखित में नर्सिंग भर्ती 2013 का मामला था, जिसमें हाईकोर्ट में सुभाष गर्ग साहब ने कहा था कि हाईकोर्ट में चले जाओ और हम लिखित में जवाब दे देंगे आपके पक्ष में, उसका जवाब नहीं दिया गया। ये इनका मामला सर, मैं आपसे नहीं मिलता, नर्सिंग भर्ती 2013 जब हमारा लिखित में समझौत हुआ कि न्यायालय में अटका हुआ मामला, आप न्यायालय में जाओ हम जवाब दे देंगे, विभाग जवाब नहीं दे रहे, मंत्री राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं, सुभाष गर्ग साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में अपने वादे से निकल, अब वो हाईकोर्ट ने 7 लाख रुपये वकील को दे दिए, अब जवाब नहीं दे रहे, वही पंचायत राज NDC है, वही पंचायत राज यही है, हमारे लिखित समझौता पूरा पड़ा जो बच्चों को रात को 12:30 बजे रिक्वेस्ट किया था, अब हमारे पास समय कुछ नहीं है, कल हम 10 बजे निकले तो हमारे पास, क्योंकि आप आ गए, धन्यवाद, आप सलाहकार हो CM साहब तक माफ पूछा, इसलिए आपको माफ पूछा रहे, मैंने तो कपन मान लिया, मैं रुको उत्तर प्रदेश से मेरी लाश आए, हम तो मर के आएंगे वहाँ से, अब पीछे नहीं हटेंगे, हमने दीपावलियाँ बनाई, कांग्रेस को समर्थन दिया, लटकाई हमने,
हर जगह जहाँ बीजेपी का डिबेट होती थी हम जाके बोलते थे कांग्रेस के पक्ष, हमको लोगों ने कांग्रेस स्थापित कर दिया, ओपिनियन तो कांग्रेस की। आज तक कांग्रेस एक तबादला तक नहीं करवाया, मेरे चाचा लगे हुए तबादला तक नहीं, एक सिंगल काम नहीं करवाया, न टिकट मांगा न कुछ मांगा, कुछ नहीं मांगा, न वोट मांगा, हमने मांगा बेरोजगार को रोजगार, लिखित में समझौता वाला। आज आत्मा रो रही है, दिव्यांग वाला भी है, सब लोगों के पास ये भटक के यहाँ बैठे हुए हैं, बढ़ाने वाले किसी चीज़ में शिक्षा मंत्री मैं वाट्सअप कर रहा हूँ तो साहब एक चीज़ में ये जानना चाह रहा था, मैंने क्या गुनाह कर दिया कांग्रेस के समर्थन में? हमारे पास कल का सीट का कैसा है, हमने सब मीडियम बोल रखा है, हमें जाना पड़ेगा, आज आज निकलना था, फिर कल हम निकलेंगे। बैठो बस, ऐसा है सारी बात, किसने बुलाया था? मैंने देखा मेरे ही साथी एक ही प्रदेश के लोग हैं, साथी हो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मेरे ही प्रदेश के मेरे साथी बैठे हो, खुद चल के आया हूँ, किसी के बुलावे में तो आया नहीं, तुमने मुझे बोले तो काफ़ी सारी पीड़ा बता दी, कागज में शॉर्ट मुझे व्हाट्सएप 40 घंटे हुआ, मुझे खुद आ गया हूँ, मुझे अभी शॉर्ट की लिखी हुई है उसको दिखा देता हूँ, बात कर रहा हूँ और इसको भी अवगत करा दी और इसका जो भी कैसे क्या चल रहा है स्टडी करने के बाद देखने के बाद जल्द से जल्द दूसरी बात कह रहे हो वो तो आप फ्री हो तो आपको नहीं साहब, मैं तो मैसेज सीएम साहब तक पहुँचा देना, बिल्कुल पहुँचा, मैं उत्तर प्रदेश में जाके आत्महत्या करूँगा, मैं दुख ले रहा हूँ और सरकार जिम्मेदार होगी, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे इन बेरोजगार रोते में नाश लेकर दीपावली रो रहे थे घर पे नहीं मिला, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, कितनी दूर है हमारे 50,000 किलोमीटर, हम भी राजस्थान की छवि खराब नहीं करना चाहते, जो छवि खराब होगी हम 10 तारीख से कह रहे हम जाएंगे जाएंगे 10 तारीख से कह रहे हैं, अपना गाड़ियाँ बुक कर दी, सारी चीज़ें जाके पड़ेंगे, देख लेना पूरे बहुत भारी पड़ेगा साहब, देख लेना मंत्री स्टेज पर 3-3 बार मीटिंग नहीं करते ये सर, तीन बार मीटिंग होकर अंतिम स्टेज में मामला आएगा, आज आपके सामने दिल घुटता है, जीने की इच्छा नहीं है, ऐसा है कि कांग्रेस समर्थित कोई चीज़ हमने क्या गलती की, लिए क्या मांगा इनके लिए बैठे हैं, बुरी हालत हो रही है, बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा यूपी में बहुत बड़ा, कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा बीएचपी ये राजनीतिक बात है, अपना 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 जो काम अपना पेट का दर्द, अपना पेट का दर्द, और पेट का दर्द कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा बीएचपी से नहीं जाता, पेट का दर्द तब जाएगा जब इसकी दवाई खाओगे, सही है तभी जाएगा, सही बात है, ये अपने काम है, ये अपनी समस्या है, सरकार कांग्रेस की है, ये बेसिकली ये तो बीमारी है, इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा, बिल्कुल इलाज करो साहब, मुझे 40 मरीज है, डॉक्टर का इलाज आप कराऊंगा, बहुत बड़ी बात आ रही है, अब उसका सॉर्ट आउट करके और इसमें राजनीति क्यों राजनीति घुसेगी, मुद्दे का किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण होने के बाद में वो मुद्दा फिर अलग लेवल पे चलेगा, राजनीतिकरण नहीं साहब, तो प्रियंका गांधी चुप रहे हैं, एक बार चुप रहे हैं, 41 दिन सब बैठे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का राजनीति हमने भी किया क्यों नहीं आने दिया, कि हम गैर राजनीतिक हमारे संगठन है, जब बीजेपी कार्यकाल में आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस वालों को हम नहीं आने देते थे, आज आप क्या कर रहे हैं तो बीजेपी, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि हम राजनीतिकरण नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो, सबकी दर्द और पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, और मैं आज से पहले तो कभी आया नहीं, क्यों नहीं आया क्योंकि हमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, आपके सभी नक्ति भी गया, तो मैं भी आज से पहले आता सर राजनीति करने आता, आज राजनीति करने नहीं आया, हमारे साथी हो प्रदेश के हो साथ के लोग हो
तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी पीड़ा है, खुद आया हूँ, आपकी बात मैंने सुनी है, एक दिन का समय दो, स्टेटस बना करते हैं क्या है क्या नहीं है, आई विल माई सेल्फ गेट बैक टू, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। और आज सरकार ने भी जो हमें बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि एक ब्रिज का गैप, चिंता करने की बात नहीं है, जो भी समस्याएं का जो भी वैधानिक समाधान हो सकता है, जैसा कि भाई कह रहा है लास्ट स्टेज पे है, जल्द से जल्द कराएंगे, लड़ेंगे भी, तुम्हारा मैं तुम्हारे साथ का हूँ, चिंता करने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, आज तो आए कल तो बने हैं, आज आए हूँ, आज सुनी है। नहीं सर, इसके लिए तो धन्यवाद, आप युवा हो और 23वीं सबसे बड़ा रोल युवाओं का रहेगा, मतलब यात्रा पूरे रास्ता मेरा, लाखों लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे ट्विटर पे 4.5 लाख है, फेसबुक सब लाखों लोग बड़ा अभी भाई साढ़े, तो मैं कह रहा था यदि आप मेरे को भेजो ना, मैं भेजा।